OTP मैडम जी 2151। सिक्स वन एट थ्री हाँ बाबा जी 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 सीपी और मंडी हाउस से फ्री हो गया हूँ, बस हौस का उसका माल डिलीवर करती। नहीं जी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जी। डिजाइन आपका अपना है? बहुत खूबसूरत है, बस फ्लोरल प्रिंट के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी थोड़ी हैवी। नहीं ये भी काफी क्रिएटिव है और फ्रेश भी। थैंक यू। भाई म्यूजिक वगैरह चला दे यार। जानू ना ये भी मैं हूँ कहाँ पे अभी, मैं चलता जा रहा हूँ मंजिल का पता ही नहीं।
एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू, वो मेरा फ़ोन शायद कैब में रह गया है, आप प्लीज़ एक बार ड्राइवर को कॉल कर सकते हैं? ओके हेलो, हाँ हाँ मैम बताइए, फोन सर देखो अभी तो मैं लगभग गुड़गांव पहुंच चुका हूँ, ठीक है, और एक सवारी की बुकिंग भी ली है। अरे देख लो यार, सवारी तो फिर मिल जाएगी भाई, मुझे तुरंत अपनी दुकान के लिए निकलना है। सर देखिए आप ही का काम ज़रूरी नहीं है, आप वेट कर लो थोड़ा, सवारी बुक हो चुकी है वरना मैं दे जाता। कितना टाइम लगेगा फिर आपको? सर देखो अभी जाम का टाइम है तो एक डेढ़ दो घंटा तो मान के ही चलो आराम से, उसके बाद मैं आपका फ़ोन वहीं आके दे जाऊँगा। ठीक है ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ, फिर भी आप कोशिश करना जितना जल्द। हेलो दो घंटे अराउंड लगेंगे उसे। एनीवे कॉल के लिए थैंक्स। डोंट मेंशन इट। अच्छा आप ड्राइवर का नंबर दे दीजिए मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा तो यू वेट, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। ओह सॉरी। आप डिज़ाइनर है ना? तुम्हें कैसे? ओह वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन। हाँ वो भी, प्लस हॉस्कास के कैफेज की जगह तुम इन बुटीक्स की गलियों में घूम रही हो सब। एक्चुअली अभी 10 मिनट में मेरा इंटरव्यू है। ओह सॉरी सॉरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे हो गया इंटरव्यू। कारी बात छुटकारा। काफी खूबसूरत है ना लेक या फिर मौसम? दोनों। हाँ तुम पहली बार आई हो यहाँ? हम्म।
सॉरी सॉरी, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। थैंक यू। कैसे रहो? ठीक ही था शायद। शायद पूरा इंटरव्यू मैम का फेस न्यूट्रल था, एक एक्सप्रेशन लीक नहीं किया यार उन्होंने, ना ही ज़्यादा क्वेश्चंस किए, ना सारे डिज़ाइंस देखे, पर कुछ डिज़ाइन से इम्प्रेस थी मैं भी, तो आई डोंट नो। एक फ़ोन कर सकता हूँ? हेलो, हाँ पापा जी। कहाँ रह गया तू? अब से नंबर मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा तू? मैंने गुप्ता जी से ऑर्डर लेने जाना था, बताया था ना तुझे, मेरे अकेले पे कोई नहीं है, हैं? हाँ पापा जी, वो मेरा फोन कैब में छूट गया है। अरे दुनिया भर के सारे फट्टे तेरे साथ क्यों होते हैं ये बता दो। अच्छा जोशी जी के यहाँ सैंपल दिया था, ठीक से पहुँचा दिया या? हाँ हाँ, वो डिलीवर हो गया है, बस अपने फोन के लिए रुका हूँ, बंदा देने आने वाला है। आओ बेटा, क्या ही बोला जाए तुमको, है सही सलामत दुकान तक पहुँच जाओगे ना? अरे जल्दी निकल वहाँ से, जल्दी पहुँच जा पर, चल। अभी तक नहीं आया यार, टाइम क्या हो गया? फोन पे देखने की आदत है ना। घंटा भर तो हो गया है, एक बार प्लीज फोन में लाना उसको। एक बार मेरा नंबर ट्राई करो, शायद उठा ले। हद है यार, फोन ही बंद कर दिया इस बंदे ने, इसकी तो मैं पक्का कंप्लेंट मारूंगा, आज का पूरा दिन खराब कर दिया है। देखो आई नो कि तुम अपसेट हो, पर गलती उसकी भी तो नहीं है ना, एंड उसने जितना टाइम बोला है उतना तो एटलीस्ट वेट करो पहले। अभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो भूख से हो रही है। हाँ लंच का टाइम भी हो ही गया है, और भूख तो मुझे भी लगी है। हे पार्टी, Let me guess. ये तो हमारी मम्मी नंबर है। काफ़ी श्योर हो। मम्मी लोगों की रेसिपी अलग ही होती है, सेम पराठा रोल मेरी मम्मी मेरे लिए स्कूल टाइम में पैक करती थी। क्यों अब नहीं बनाती? अब मम्मी नहीं तो कैसे बनेंगे? वैसे अब तो मैं खुद ही काफ़ी अच्छा खाना बना लेता हूँ, सोच रहा हूँ इस साल मास्टर शेफ का ऑडिशन दे दूँ। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। नहीं पर सीरियसली आई लव कुकिंग। मैं तो जनरली मानता हूँ कि सोशल मीडिया से ज़्यादा खाना लोगों को कनेक्ट करता है। सॉरी फ्लो फ्लो में ना अधरंग की बातें भी कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट कुड बी ट्रू, अभी हम भी तो पराठों पर ही कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ और तुम इतने एम्बेरस क्यों हो रहे हो? यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, काफ़ी कम लोग होते हैं, बी प्राउड अबाउट इट ना।
तो कहानी क्या है? कहानी? तुम्हारी कहानी? वही जो ज्यादातर लोगों की होती है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर रहा हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो नहीं। I'm sure कि तुम इंजीनियर तो नहीं हो, तो फिर रीजन क्या है? आर्ट वार्ट में कुछ नहीं रखा, काइंड ऑफ सीन या फिर फैमिली बिजनेस? यू गुड, सीरियसली चड्डा क्रिएशंस दादाजी की क्रिएटिविटी थी। बट वो यार, चांदनी चौक में शॉप, चांदनी चौक इज माई म्यूज, यू नो। मेरे ज़्यादातर डिज़ाइंस की प्रेरणा वहीं से आती है। प्रेरणा? अत्युत्तम। चांदनी चौक की ना हर चीज़ पसंद है मुझे, नील कटरा से लेकर पराठों वाली गली, एवरीथिंग एक्सेप्ट वहाँ की भीड़ भाड़ और शोर के। ये क्या बात हुई, भीड़ और शोर से तो चांदनी चौक चांदनी चौक है। That's stereotypical bullshit. भीड़ और शोर फीलिंग नहीं है, प्रॉब्लम है। पता नहीं यार, मेरे अंदर तो पुरानी दिल्ली अब ऐसे बस चुकी है ना, पहाड़ों पे भी जाता हूँ तो दो दिन से ज़्यादा शांति हजम नहीं होती। यू आर हार्ड कोर डेलियाइट। हाँ, तुम कहाँ से हो? मेरठ। तुम मेरठ ही आओ? मतलब अभी, आई मीन इस इंटरव्यू के लिए तुम आज वहाँ से आई हो? सही है, तुम भी पैशनेट हो यार, मतलब फैशन डिजाइनिंग के लिए। तुम काफी सॉर्टेड हो यार लाइफ में, मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ सीरियसली। नहीं ऐसा नहीं है, आई जस्ट ट्राई हार्ड। सोसाइटी के बनाए हुए सो कॉल्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स में ना उलझ जाऊँ, इससे काफी क्लैरिटी आ जाती है। रूल्स जैसे कि? जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, मकान, बच्चे वगैरह, इन सब के लिए इंडिविजुअली एक स्टैंडर्ड एज ब्रैकेट सेट है कि आपको इस उम्र तक ये कर लेना है। अगर आपने सारे टास्क एक सही उम्र तक पूरे कर लिए तो यू आर अ सक्सेसफुल सिटीजन, अदरवाइज नॉट। लाइफ के आधे झमेले ना इन ब्रैकेट से ही हैं, पर अब हमारी भी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम भी बस लगे हुए हैं। हमने एक क्वेश्चन ही पूछना छोड़ दिया है। क्यों? तुम डेयरिंग हो यार, मुझ में तो तुम जैसे गट्स नहीं है। मेरा नौकरी वाला एज ब्रैकेट लगभग क्लोज होने वाला है, अब मैं पापा जी को जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे गल्ले पे नहीं बैठना या फिर ये डिज़ाइंस वगैरह डिलीवर करना पसंद नहीं है, या ये कि मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट, मैं एक्चुअली श्योर भी नहीं हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। यू नो, आज इंटरव्यू के दौरान मैम ने भी वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली बात मेंशन की थी। सही में? क्या बात है यार, पर
ये तो मुझे अभी क्यों बता रही हो, इसका क्या कनेक्शन? क्योंकि दैट वाज योर इंस्टिंक्ट, जो तुम्हारे दिल में आया तुमने कहा, एंड इट टर्नड आउट राइट ना? ड्राइवर बात करो। जी हाँ, यही है। हाँ, आप ड्रॉप पॉइंट पर आ जाइए, 15 मिनट्स। चले जाए फिर। बाय द वे, आई लव ब्रुकलिन 99। नाइस, लेट मी गेस, योर फेवरेट कैरेक्टर इज चार्ल्स बॉयल। ओके, काफी जजमेंटल। ऐसे तो तुम्हारी फेवरेट जीना होगी। हु डजंट लाइक जीना? नेगेटिविटी पे इतना फोकस मत किया करो तुम, अच्छी चीजें मिस कर दोगे ऐसे। यार आज मेरा फोन ऑलमोस्ट खो गया था, लगभग पूरा दिन वेस्ट हो गया मेरा। इसमें अच्छा क्या है? वेस्ट? ए, उसमें भी नहीं यार, मतलब यू नो ना मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। शाम ही हो गई, आज इंतजार करते थे। अभी कहाँ, अभी तो शाम होने को है ना। आज फोन के बगैर एक दोपहर तुमने अपने साथ बिताई। एक अनजान आदमी अपना काम छोड़ के इतनी दूर से तुम्हारे लिए आ रहा है, और कुछ नहीं तो उन पराठों की इज्जत कर लो यार, इतना बुरा दिन भी नहीं था। You're really good. थैंक यू सो मच यार, मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई ना आज। अरे कोई बात नहीं, सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा, दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो। वो आपका फ़ोन ना लगातार बज रहा था, तो सवारी परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया। नहीं कोई नहीं, ठीक है सर, तो चलते हैं। अरे सेकंड भैया, ये आपकी कैब बुक कर सकती है क्या अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें तो काफ़ी दूर जाना है ना, तो तुम इनकी कैब में निकल जाओ, अभी पीकर्स भी हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक्स। ओके, बाय बाय।